इंसान मरता कब है जैसे सवालों का जवाब सिर्फ इतना होता है कि जब उसकी सांस रुक जाए तो समझो वह मर गया। असल में ऐसा ही होता है, लेकिन कई बार इंसान जिंदा होकर भी मर जाता है। स्क्रीन पर दो फोटो दिख रही है आपको। पहली फोटो में एक बच्चा अपना सब कुछ खो चुका है, दूसरी तस्वीर में एक माँ का दिल चीरता रुदन है। दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। मन परेशान होता है तो होने दीजिए, आत्मा बेचैन होती है तो होने दीजिए। अगर आंखों में आंसू आते हैं तो उसे मत रोकिए। जितना दुख और दर्द आप महसूस कर रहे हैं, दिल्ली दंगे में बस वही हासिल हुआ है। नागरिकता कानून को लेकर भड़की हिंसा में हिंदू मुसलमान दोनों का नुकसान हुआ, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा। जहाँ जितनी बड़ी संख्या में नफरती पहुँचे, वहाँ उतना ज़्यादा नुकसान कर दिया। कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर सारी मर्यादा तोड़ रहा था, तो कोई अल्लाह अकबर कहकर किसी का गला काट दे रहा था। हम इस बीभत्स दंगे में छिछले और हल्के सवालों का जवाब खोज लेंगे, जैसे किसने किसको उकसाया, किसके कहने पर किसने क्या कहा, किसकी बात किसको बुरी लगी। ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब हम अगले एक दो महीने में खोज लेंगे, लेकिन मूल सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि लोग धर्म के कट्टरपन पर बात ही नहीं करना चाहते। हिंसा से धर्म का गौरव कैसे बढ़ेगा, इस पर किसी तरह की चर्चा नहीं होती। किसी की मस्जिद पर भगवा फहरा देने की मानसिकता कैसे उत्पन्न हुई, इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। दिल्ली के दंगों की तुलना गुजरात दंगों से नहीं की जा सकती। 3 दिन तक चला कत्लेआम किसी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं था, न ही कहीं कोई बड़ा पेड़ गिरा था जिससे धरती हिली हो। ये सतत प्रयासों का नतीजा है। लोगों के दिमाग, उनकी सोच पर कब्जा किया गया, उन्हें कुएं का मेढक बनाया गया। इसमें वर्तमान मीडिया का सबसे बड़ा रोल है, जिसने आपको हर शाम असली हिंदू बनाम ढोंगी हिंदू, मान न मैमान, डर में मुसलमान, जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहां से पधारे, जैसे तमाम एजेंडा आधारित डिबेट हुई, जिसमें एक बड़े जनसमूह के सोचने समझने की क्षमता को ही छीन लिया। उन्हें वही समझ आया जो स्क्रीन पर दिखा। जब कोई नेता देश के गद्दारों को गोली मारो का नारा लगा रहा होता है, तो असल में वह मार ही रहा होता है। जब कोई नेता चुनाव को भारत पाकिस्तान का मैच बता रहा होता है, तो वह असल में अपने समर्थकों के दिमाग में ये बात बैठा चुका होता है कि सामने वाली पार्टी पाकिस्तान है। कोई नेता जब 15 करोड़ होने का दम भरते हुए 100 करोड़ को ललकारता है, तब वो एक हिस्से के हाथ में बंदूक पकड़ा कर खड़ा कर चुका होता है। यही असली खेल है, इसी से निपटने की जरूरत है। लेकिन फिर वही सवाल घूमकर हमारे सामने आ जाता है, आखिर निपटे कौन? जिस जस्टिस ने रात को कोर्ट खुलवाकर मामले की सुनवाई की, भड़काऊ बयान वीर नेताओं को नापने की कोशिश की, उसे ही अगले दिन नाप दिया गया। सोशल मीडिया के जरिए इनकी गलती उसकी गलती करने वालों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर एक बार दंगे से प्रभावित इलाकों में जाना चाहिए। वास्तविकता से रूबरू होने के बाद हो सकता है बुद्धि खुल जाए। हरिशंकर परसाई ने कभी लिखा था कि एक आम इंसान का दंगे में बस इतना रोल होता है कि वह झूठी अफवाहों पर भरोसा करे, घर में दुबका रहे, नफरत फैलाए। वह कहते हैं, साधारण नागरिक कभी दंगा शुरू नहीं करवाता, दंगे करवाते हैं विशिष्ट लोग, इज्जतदार नागरिक और धर्म नेता। विशिष्ट, इज्जतदार और धर्म नेता कौन है इस समय, ये बात आप बखूबी जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दिल्ली दंगों से जुड़े कई और वीडियो देखने के लिए मोलिटिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मोलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।